हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। नेट पेपर वन के अंदर जैसा कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं और इसके अंदर जो है ये थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताया है, तो आज इसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग। और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको एक आधे दिन के अंदर मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ दी ग्रेट टीचर, कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट है दे शुड डेमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस। देखो, जो एक ग्रेट टीचर की जो निशानी होती है, जो पहचान होती है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपना कॉन्फिडेंस जो है डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि अगर वो जो है कॉन्फिडेंट रहते हैं तो स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिलती है कि हमने भी, हमारी टीचर जो है कॉन्फिडेंट है तो हमने भी वो एग्जिबिट करना है। और उसी तरह दे हैव दी लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम उनके साथ शेयर करते हैं, जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो हमारी जो हमने लाइफ एक्सपीरियंस उस चीज़ के साथ फेस किए होते हैं तो उनको बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि टीचिंग जो है और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और उसी तरह ही वो स्टूडेंट जो है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और हर एक स्टूडेंट जो होता है डिफरेंट होता है, तो उसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन चाहिए होती हैं, तो टीचर जो है उनकी जो स्टूडेंट की यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको पता होता है कि हर एक स्टूडेंट को जो है अलग से मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है। देखो, किसी को हम प्यार के साथ समझाते हैं, किसी को डांट के साथ समझाते हैं, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करना है ताकि स्टूडेंट जो है अपना ऑप्टिमम लेवल पे काम करे। और उसी तरह देखो, दे आर पीपल नॉट हीरोज़। देखो, जो टीचर्स हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो नेचुरली क्लासरूम के अंदर जो है वो अपने इमोशन शो कर सकते हैं, क्योंकि वो हीरोज़ नहीं हैं, वो भी आम लोगों की तरह हैं। और टेक्नोलॉजिकल कैपेबल का मतलब है कि जो वो करते हैं, जो उनको पढ़ाई आती है, जो वो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो प्रॉपर है, टेक्नोलॉजी के साथ भी वो वेल वर्स्ड है, क्योंकि जितना वो कैपेबल होंगे उतना ही क्या है कि स्टूडेंट के ऊपर एक जो है एक अच्छा प्रभाव डालेंगे। और वो जो है स्टूडेंट्स को रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी सिखाते हैं, और वो हमेशा जो टीच करते हैं डैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करते हैं। और जब वो टीच करते हैं अपना काम डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो ये नहीं सोचते कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में क्या सोचेगी, वो अपना हार्ट से स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए क्या है कि उनको जो है प्रॉपरली टीच करते हैं। तो ये एक अच्छे टीचर की जो है करेक्टरिस्टिक्स है कि एक अच्छे टीचर्स के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी मैक्सिम ऑफ दी टीचिंग। देखो, मैक्सिम जो होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि टीचिंग होनी चाहिए। मैक्सिम जो है एक ग्राउंड रूल है। रूल का अर्थ होता है कि जैसे हम रेस लगाते हैं तो उसके अंदर भी रूल्स होते हैं, तो इसी तरह मैक्सिम जो है एक रूल है कि किस तरह हमें टीचिंग करनी चाहिए। मैक्सिम इज ए ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल, और जिसके अंदर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी एवोल्यूशन होती रहती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, ये हमारा फ्यूचर एक्शन किस तरह का होना चाहिए, बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। देखो, पहली बात तो ये है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। देखो, एक अच्छा टीचर वही होता है जो पहले चीज़ सिंपल कराए, फिर उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ कराए, क्योंकि हम लोग हमेशा जैसे ऑपरेशन सर्च है सिलेबस के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग दिया होता है, और अगर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो स्टूडेंट को वो समझ नहीं आता, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है उसके अंदर लूज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट मैथड जो होता है असाइनमेंट होता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी होता है, उसके बाद गेम थ्योरी, उसके बाद हम लोग उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन, फिर एंड में जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो उसी तरह जब टीचर स्टार्ट करता है तो वो देखे कि सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहला कराते हैं तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट उसमें लूज हो जाता है। तो पहला जो प्रिंसिपल है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो नेचुरली जब हम सिंपल चीज़ें बताते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट बना रहता है। फिर उसी तरह फ्रॉम नोन टू अननोन। देखो, अगर हम पहले ही अननोन पे फोकस कर देते हैं तो वो रिटेन नहीं हो पाता। जब हम नोन्स, जो चीज़ें स्टूडेंट्स को पता है उससे हम
अनोन को उसके साथ रिलेट करते हैं तो उसमें रिटेंशन जो होती है ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि जब हम पता है, हमें पता है कि स्टूडेंट को इस चीज़ की नॉलेज है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि जब हम उसको अननोन एरियाज़ के अंदर लेके जाते हैं तो नोन एरिया के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी रिटेंशन भी अच्छी रहती है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, देखो जो सबसे पहला फोकस होता है प्रेजेंट, जो करंट है उसके ऊपर फोकस करो, फिर उसके बाद क्या है कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बताओ। तो उससे भी क्या होता है कि नेचुरली जो स्टूडेंट आज देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकली फेस हो रहा है, तो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर उसके बेसिस पे उसको पास्ट और फ्यूचर के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ें विजिबल हैं, जिनके रिजल्ट्स हमें पता है, और जो सॉलिड है वो चीज़ें हमें पहले बतानी चाहिए, फिर उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि कॉम्प्लेक्स होती है, डिफ़िकल्ट होती है, जिसको विजुलाइज करना मुश्किल होता है, पहले कॉन्क्रीट चीज़ें बताएं जिसको स्टूडेंट विजुलाइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे जाएं। और फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल दे के हम उनको जो है समझाते हैं, और उसके बेसिस पे हम जनरल लॉज जो है एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेमोंस्ट्रेशन है। जैसे अब थ्योरी ऑफ डिमांड हमने बतानी है, तो पहले हम बताएंगे कि जब सेल लगती है तो उस वक्त क्या होता है कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं। तो उस तरह से क्या है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे के जो है उनको जनरल लॉ जो है एक्सप्लेन करनी चाहिए। और उसी तरह फ्रॉम होल टू द पार्ट, तो यहाँ पे जी सॉल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि पहले हम पूरा ऑब्जेक्ट को जो है परसीव करते हैं, और उसके बाद जो होता है जब हम पार्ट समझाते हैं तो वो इजी हो जाते हैं। तो नेचुरली जैसे हम पहले ट्री के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद जो ट्रंक है, ब्रांचेस है, लीव्स है, उसके बारे में बताते हैं, तो पहले होल सिस्टम को समझाते हैं फिर उसके पार्ट्स को समझाते हैं, तो वो समझाना इजी होता है। फिर इनडेफिनेट टू डेफिनेट, तो यहाँ पे जो इनडेफिनेट नॉलेज, क्योंकि देखो जो नॉलेज है वो इनडेफिनेट है, उसका कोई अंत नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाएंगे, तो उनको हमने जो हमें लगता है कि उसके लिए रेलेवेंट है, डिफाइंड नॉलेज है, वो हमने उनको प्रोवाइड करनी है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, तो यहाँ पे देखो जो पहले हैं साइकोलॉजिकली, जो उनकी साइकोलॉजी के साथ मैच करती है, जो उनको अट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो जो, क्योंकि जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं तो वहाँ पे हम उनको लॉजिकल जो है समझा सकते हैं। और उसी तरह फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, देखो एनालिसिस का अर्थ होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उन पार्ट्स को जोड़ के जो है उसका हम एनालिसिस करते हैं कि ये इसका रिजल्ट ये निकलता है। फॉलो द नेचर, तो यहाँ पे क्या है कि देखो जो स्टूडेंट की नेचर है, पहले स्टूडेंट की साइकोलॉजी नेचर को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके हिसाब से क्या है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो होता है डिफरेंट होता है। देखो कई स्टूडेंट ओबीडियंट होते हैं, कोई स्टूडेंट शरारती होते हैं, कोई स्टूडेंट लर्न ही नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें स्टूडेंट की नेचर को समझना चाहिए, उसकी नेचर के मुताबिक जो है उसको जो है हमारी जो मोड ऑफ टीचिंग है वैसी होनी चाहिए कि जो उसकी नेचर के मुताबिक हो। उसी तरह ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जैसे साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, टच है, तो ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह जो मॉन्टेसरी एंड फ्रॉबल है वो इस मैक्सिम के जो है कंट्रीब्यूटर हैं। और यहाँ पे क्या है कि डाल्टन का जो सिस्टम है वो सेल्फ स्टडी के ऊपर है, कि जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता रहता है तो उसको सेल्फ स्टडी, क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर हम सेल्फ स्टडी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर तो जो मेथडोलॉजी होती है बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उनको टीच करना पड़ता है। बट जैसे जैसे बच्चा ग्रोन अप हो जाता है तो फोकस जो होता है वहाँ पर सेल्फ स्टडी पर होता है। और उसी तरह देखो जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग मेथड जो है दो तरह के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जनरल प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दी जनरल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज दी मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन का अर्थ होता है कि जब हम स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करते हैं ताकि वो नई नई चीज़ों को सीखें, तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि उनके अंदर जो है ईगरनेस टू लर्न पैदा हो, कि उनके अंदर मोटिवेशन आनी चाहिए कि हमने सीखना है, क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। और उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, तो फ्रॉबल कहते हैं कि जैसे किंडरगार्टन जो केजी सिस्टम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं
जैसे ही वो करते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो यहाँ पे फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी जो होती हैं, तो वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो जैसे कलर के बारे में सिखाना है तो कलर करके अलग अलग उसके कलर्स देके, तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स जो हैं चार्ट्स बनाओ, मॉडल्स बनाओ, शेप्स बनाओ, तो उस तरह से क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि हम एक्टिविटी करवा के उनको वो चीज़ें सिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बाय जनरेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स कम्युनिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज। देखो, जब तक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं बनेगा तब तक हम उनको टीच नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कुछ बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स के साथ, जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, तो आप जो टीच कर रहे हो उसके अंदर क्रिकेट के एग्जांपल दो। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बॉलीवुड से प्रभावित होते हैं, तो जब हम अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है जब उसके अंदर हम बॉलीवुड के एग्जांपल या बॉलीवुड के करेक्टर को उसके बीच में लाते हैं तो नेचुरली स्टूडेंट का वहाँ पे इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की नेचर को समझते हुए, स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझते हुए उसका इंटरेस्ट जो है उसके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, तो देखो जब हम लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो होती है जो हम सिखाते हैं उसके साथ लिंक करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसको चीज़ें जो है ज़्यादा याद रहती हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट के अंदर क्या है कि देखो जो नॉलेज है वो इनडेफिनेट है, हम स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारा फोकस किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं प्रॉपर यूटिलाइज हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने वो नॉलेज प्रोवाइड करनी है जो उनके प्रैक्टिकल काम आती है, जो उनके लिए जो है यूज़फुल है। तो हमारा फोकस जो है किस तरह की जो उनको हमने लर्निंग सिखानी है उसके ऊपर हमारा फोकस किस तरह से है। और उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, देखो हर एक स्टूडेंट जो होता है यूनिक होता है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है, एटीट्यूड एबिलिटी पोटेंशियलिटी में डिफरेंस होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो टीचिंग मेथड जो है हमें उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें डिवाइस करनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, देखो यहाँ पे क्या है कि जो टीचर है डैट इज़ एबल टू पिक द कंटेंट डैट कैन बी मोर रेलिवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का अर्थ होता है कि टीचर ने ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें बतानी है और वो प्रॉपर अपडेटेड होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या है कि देखो जैसे हर एक टीचर है, क्योंकि जैसे हमारा सेमेस्टर सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होता है कि हम डिवाइस कर लेते हैं कि एक चैप्टर को जैसे इनिशियली है हमारी जो टीचिंग स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करना है। धीरे धीरे जो होता है कि हमने इतने दिन के अंदर ये चैप्टर फिनिश कराना है, इसकी ये प्रैक्टिस करवानी है, तो एवरी टीचर हैज़ ए सर्टन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक सो डैट उसके जो रिसोर्सेज हैं प्रॉपर यूटिलाइज हो सकें। प्रिंसिपल ऑफ डिविज़न का अर्थ है कि पहले हमने सिंपल चीज़ें करानी है, इंटरेस्टिंग चीज़ें करानी है ताकि सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग हो, उसको हमने अलग अलग यूनिट्स के अंदर जो है डिवाइड कर देना है ताकि उनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि स्टूडेंट की जो है रिटेंशन और इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिविज़न, देखो यहाँ पे क्या है कि जितना स्टूडेंट रिवाइज करते हैं उतना ही क्या होता है कि वो उसको रीइन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये जो रिविज़न है, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूरिंग होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, रिविज़न फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए तभी वो कॉन्सेप्ट्स की जो है उनको याद रहते हैं। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, देखो यहाँ पे जब हम टीच करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें उसके साथ जो है एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी क्लासरूम है वो ज़्यादा ह्यूमरस और क्रिएटिव होनी चाहिए। तो एक्चुअल में जब मैं भी क्लासरूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम का बंदिश हो जाता है, वहाँ पे पूरे एक घंटे की क्लास होती है, तो उसके अंदर हम लोग जो है उसको ह्यूमरस करते हैं, उसको स्टूडेंट की साइकोलॉजी के साथ जो है एग्जांपल उसी तरह की लेके ताकि क्लास के अंदर ह्यूमर बना रहे और बच्चे जो है फन करते हुए सीखें। तो यहाँ पे क्लासरूम के अंदर जो क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन होता है कि बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, उसके अंदर आपको इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऐड करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट को फैसिलिटेट
मतलब इस ढंग से टीच किया जाता है कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जैसे प्रेजेंटेशन दे दिया, उसका कॉन्फिडेंस डिवेल्प हो गया, रोल प्लेइंग एक्टिविटी दे दिया, तो नेचुरली जब हम स्टूडेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो होती है जनरेट होती है। उसी तरह हम देखते हैं कि पहले हमने जनरल प्रिंसिपल्स किए थे, अब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स करते हैं। साइकोलॉजी जहाँ पे हम साइकोलॉजी को स्टूडेंट की जो लर्नर की साइकोलॉजी है उसको समझते हुए उसको उस तरह के जो है मोटिवेशन देते हैं, उस तरह के स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, नीड टू अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट इज़ ए यूनिक साइकोलॉजिकल एंटिटी। स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज और हर मोटिव एंड नीड्स। तो देखो, क्लासरूम के अंदर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है हर एक स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी होती है डिफरेंट होती है। देखो, कई स्टूडेंट जो होते हैं शाई नेचर के होते हैं, कई स्टूडेंट एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, उनको होता है कि अप्रिसिएशन मिले तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझते हुए कि किस तरह की मोटिवेशन देनी है। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, देखो रिक्रिएशन बहुत नेसेसरी है टू हैंडल फटीग आफ्टर अटेंडिंग लेंथी क्लासेस। देखो, जब क्लासेस लेंथी चलती हैं तो बच्चे का दिमाग थक जाता है, तो नेचुरली वहाँ पे बच्चे की एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। टीचिंग के अंदर हमें समथिंग ह्यूमर शुड बी एडेड, हमें कोई फनी एग्जांपल देना चाहिए जिसके बेसिस पे क्या है कि जो बच्चे हैं वो थके नहीं, उस चीज़ को वो अच्छी तरह से ग्रहण करें। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या है कि छोटे बच्चे हैं, देखो छोटे बच्चे हैं, जैसे ABC सिखाते हैं, नहलाते हुए भी हम उनको ABC सिखाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हुए भी कलर सिखाते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा रिविज़न होती है उतनी वो चीज़ों को ज़्यादा सीखता है। तो ये छोटे बच्चों के केस में जितना रेपिटेशन होता है उतनी ही, जितना रेपिटेशन होता है उतनी ही उसके दिमाग में रिटेंशन रहती है। प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बच्चों को कहा जाता है, जैसे लैंग्वेजेस की क्लासेस होती हैं, आप अपनी भाषा के अंदर एक्सप्रेस करो आप क्या लिखना चाहते हो। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि आप अपने वे से उसको सॉल्व करो, तो क्रिएटिविटी को इनक्रेज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सिम्पथी एंड कोऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ आपने सिंथेटिक रहना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, उनको मोटिवेशन दी जाती है कि वो टीम वर्क के अंदर काम करें, उनको टीम वर्क में काम भी दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस, तो यहाँ पे जो हमारी मल्टीमीडिया है, देखो जैसे हम जैसे प्रोजेक्टर पे कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो चीज़ें विजुलाइज्ड होती है, एनिमेशन करके दिखाते हैं या मल्टीमीडिया पे दिखाते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग के अंदर जो होती हैं ज़्यादातर तक उनका असर रहता है। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तो यहाँ पे देखो जो टीचर है वो आइडेंटिफाई करे कि जब मैं टीच करता हूँ मेरे में क्या मिस्टेक है, उसके बेसिस पे वो देखे कि मैं अपनी टीचिंग को किस तरह से और बेटर बना सकता हूँ। तो रेमेडियल टीचिंग जो है डेट इज़ कंसर्न विद द करेक्टिंग ऑफ द फ्लॉज ऑफ द टीचिंग, कि जो हम टीच करते हैं उसके अंदर जो कमियाँ होती हैं उसको हम किस तरह से जो है दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये जो है ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट है कोग्निटिव डोमेन। देखो, कोग्निटिव का अर्थ जो होता है वो नॉलेज और कंसेप्ट के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जब हम टीच करते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको क्या है, उनकी मेंटल एबिलिटी को डिवेल्प करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है डैट इज़ रिलेटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का अर्थ होता है कि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है डैट इज़ रिलेटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, डैट इज़ थिंकिंग और नॉलेज, जिसके बेसिस पे हम लॉजिकल सोच सकते हैं, हमें नॉलेज मिलती है। तो ये कोर लर्निंग डोमेन होता है जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं और उनको हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखो, जो अदर डोमेन है वो इफेक्टिव है, साइकोमीटर है, जिसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, नॉलेज तो हमें चाहिए होती है तभी हम उस नॉलेज को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 6 लेवल होते हैं। फर्स्ट है नॉलेज डैट इज़ कंसर्न विद द रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट। देखो, जो हमने सीखा हुआ है, जब हमें वैसे प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रिकॉल करते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह की क्या हमने सीखा था, किस तरह की नॉलेज जो है यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम
कहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है, किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन का अर्थ होता है कि जो हमने सीखा हुआ है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में स्टडी करते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू होता है, तो जब इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होती है, तो गवर्नमेंट जब उसको प्रैक्टिकली पुट करती है तो हमें समझ में आता है कि इस तरह से। तो उसी तरह क्या है कि जो थ्योरी हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। एनालिसिस का अर्थ होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको हम स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं। सिंथेसिस का अर्थ होता है कि पार्ट्स को कनेक्ट करके हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एवेल्युएशन का अर्थ होता है कि हम क्या जजमेंट, क्या कंक्लूजन, क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग है, एंडरसन, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम एंड डेविड कार्थोवर ने उनको इस ढंग से सिक्वेंसाइज किया है, रीअरेंज किया है। रिमेम्बरिंग, पहले याद रखना कि हमने क्या सीखा था, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अप्लाई करना, फिर उसको एनालिसिस करना, फिर उसके बेसिस में जजमेंट करना, फिर उसके बाद को उसको क्रिएट करना। और उसी तरह इफेक्टिव डोमेन, तो यहाँ पे देखो इफेक्टिव का जो लिटरेरी अर्थ होता है फीलिंग है, इमोशन है। यहाँ पे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से प्रेफर करते हैं, तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, गुस्सा है, प्यार है, नाराज़गी है, एंगरनेस है, तो वो इफेक्टिव डोमेन में होती है। तो इफेक्ट जो होती है कि नेचुरली देखो जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं तो उनके प्रति हमारी किस तरह से राय है, वो किस तरह का हमारा रिएक्शन होता है। इंडिविजुअल हैज़ टू डिवेलप एंड नर्चर डिजायरेबल पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरेस्ट फॉर हिज और हर बेटर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। देखो, अगर हमने सोसाइटी में रहना है तो नेचुरली हमें सोसाइटी के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड जो है डिवेलप करना पड़ेगा। इफेक्टिव डोमेन जो है किस तरह का हमारा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोटिव का लेवल क्या है, क्या हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या हम जो लर्न करते हैं उसकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये इफेक्टिव डोमेन जो है हमें बताता है कि जो हमने सीखा है उसको हमने अपने दिमाग में बिठाना है या नहीं बिठाना है, हमारी उसके प्रति राय क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसी तरह देखो जो लेवल्स ऑफ द इफेक्टिव डोमेन है, रिसीविंग, विलिंगनेस टू लिसन, जब हमें कोई चीज़ बताता है, जब हम क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं तो क्या आर दे विलिंग टू लिसन व्हाट द टीचर सेज, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। देखो, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो लगता तो है कि दे आर सिटिंग इन द क्लास, बट जब कोई टीचर क्वेरी करता है तो क्या वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आर दे विलिंग टू पार्टिसिपेट और नॉट। और इस तरह वैल्यू का अर्थ होता है कि विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, कि हाँ हमने क्लास लगी है, जो उसे हमें बताया जाता है उसको हमने सीखना है। ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ होता है कि देखो विलिंगनेस टू एन एडवोकेट ऑफ आइडिया, कि जब कोई टीचर क्लास के अंदर क्वेश्चन पुट करते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना जो है क्रिएटिविटी जो है अपना आइडिया डिवेलप करते हैं। करेक्टराइजेशन का अर्थ होता है कि नेचुरली यहाँ पे विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वेज लाइफ, कि यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, मॉडिफिकेशन करना चाहता है। तो इंडिविजुअल का जो इफेक्टिव बिहेवियर है, जो लर्निंग है, देखो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंसी और कॉग्निटिव लर्निंग के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। और यहाँ पे एजुकेशन प्रोसेस जो है उसके लिए ये बहुत ही मायने रखता है कि देखो कॉग्निटिव लर्निंग जो हमें जो थ्योरी दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, और इफेक्टिव का होता है कि हम उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं साथ बाय साथ चलती हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस लगाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव सिखाया जाता है, बट प्रैक्टिकली उनको वो यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते। तो कॉग्निटिव के अंदर उन्होंने सीखा कि पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, बट क्या वो पॉजिटिव बिहेवियर को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कॉग्निटिव लर्निंग एंड इफेक्टिव लर्निंग, दे गो हैंड टू हैंड। और उसी तरह ही साइकोमोटर डोमेन, तो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन का अर्थ होता है कि जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने आपको क्या बताना है, प्रॉपर मुझे मेथडोलॉजी पता होनी चाहिए। तो एक्विजिशन ऑफ द टेक्निकल, साइकोमोटर डोमेन मींस टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल की जो भी चीज़ हम करते हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हमने इसको इस तरह से करना है। इमिटेशन, इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो स्किल पर्सन है वो लर्नर को जो है बार बार दिखाते हैं कि
इस तरह से काम करना है, डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि ये काम ऐसे करो, ताकि लर्नर जो होता है उस चीज़ को वैसे ही करे। जैसे देखो जो डॉक्टर्स होते हैं तो वहाँ पे एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करते हैं, तो जब डॉक्टर्स जो होते हैं ऑपरेशन करते हैं तो साथ में क्या होता है कि वो इंटर्न्स को लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से आपने जो है एक्सपेरिमेंट इस तरह से आपने जो है सर्जरी करनी है, देखो ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे इमिटेशन के अंदर डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। मैनिपुलेशंस के अंदर क्या होता है कि लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट द वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो लर्नर जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है कि मैं अगर इसका टेम्परेचर ये कर दूँ, इक्विपमेंट की सेटिंग ये कर दूँ, तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। प्रिसीजन का अर्थ होता है कि जब हम बहुत सारे एक्ट्स करते हैं तो उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी रिक्वायर्ड है, तो राइट स्टेप्स कैसे करने हैं। एप्लीकेशंस के अंदर क्या है कि हमने जो काम है उसको एफिशिएंसी के साथ करना है, जो गिवन रिसोर्सेज हैं, गिवन टाइम है, उसके अंदर हमने जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ करना है। नेचुरलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो हमें स्किल्स सिखाई जाती है वो हमने अपने दिमाग में बैठानी है, उसको हमने अपने उसी के मुताबिक काम करना है। और नेचुरली जो नई टेक्निक सीखते हैं उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, और किस तरह जो सिचुएशन है उसके अंदर जो हमारी सीखा हुआ है उसको हमने किस तरह से मॉडिफाई करके वहाँ पे अप्लाई करना है। और उसी तरह हम देखते हैं गैगनी एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो गैगनी और ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है कि इंटेलेक्चुअल स्किल, ये कहते हैं कि देखो कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या है कि हमें कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं, उसके रूल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल स्किल जो है डैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेटिव स्ट्रैटेजी, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने सीखा हुआ है उसको हम किस तरह से जो है उसके अंदर याद करते हुए अप्लाई करते हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी, देखो जो हम सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, तो वो हमें एक जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है कि ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो वहाँ पे वर्बल इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज डैट एन इंडिविजुअल एक्वायर। मोटर स्किल का अर्थ होता है कि जो हमारा ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें एडवाइस करता है, किस तरह से उसको एनालाइज करता है। और एटीट्यूड जो है डैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये गैगनी और ब्रिक्स के मुताबिक जो है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के, ये जो है जो टीचर टीच करता है तो उससे ये लर्निंग आउटकम जो है, रिजल्ट जो है निकलता है।